अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टेक फॉर पीपल। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप DSLR की जैसी तस्वीर बनाना चाहते हैं, जिस तरह DSLR में ब्लर तस्वीर बनती है, इस तरह की अगर आप ब्लर तस्वीर बनाना चाहते हैं तो वो आप अपने मोबाइल में किस तरह बना सकते हैं। वैसे तो गाइज, प्ले स्टोर में इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशन मौजूद हैं और यूट्यूब पर भी आपको बहुत सी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आज जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ आपका जो आपकी जो तस्वीर है उसको ब्लर ही नहीं करेगी, बल्कि आप अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड भी चेंज कर पाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है, इसमें आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, बस एक ही क्लिक में आप जो है अपनी तस्वीर को एडिट कर पाएंगे। तो गाइज, बिना वक्त जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इरफान टेक फॉर पीपल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप यहां से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करें और फिर आल के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस, इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है, टेलीपॉड के नाम से इसका नाम है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। और अगर आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे गाइस, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन ये आपसे मांगेगी जिसको आपने अलाउ कर लेना है। अब गाइस, यहाँ पर आपने अगर तस्वीर लेनी है तो आप डायरेक्ट अपने कैमरे से तस्वीर ले सकते हैं, और अगर आपकी तस्वीर ऑलरेडी आपके जो गैलरी में मौजूद है तो आपने यहाँ से उसको इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ से आपने अपनी जो तस्वीर है उस तस्वीर को यहाँ पे ले आना है। अब गाइस, यहाँ पे आपकी जो तस्वीर है वो आ गई है, आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है और उसके बाद ये अपना जो वर्क है ये वर्क शुरू कर देगी। यहाँ पर गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लर के बारे में। तो जैसे ही आप अपनी वीडियो तस्वीर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, इस तरह का कुछ वर्क चलेगा और ये वर्क तकरीबन 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो इस वर्क के होने के बाद यहाँ पे आप अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, हेयर कलर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ब्लर के बारे में बात करेंगे। आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, आप बहुत सारी जो है ना बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मेन जो चीज़ है वो क्या है कि हम अपनी तस्वीर को ब्लर कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो तस्वीर है वो ब्लर हो चुकी है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर ज़्यादा ब्लर करना चाहें तो वो ज़्यादा ब्लर भी हो रहा है, और अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा ब्लर करना चाहें तो वो भी हो जाएगा यहाँ पे। तो गाइस, इस तरह ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप अपनी जो तस्वीर है उस तस्वीर का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और उस तस्वीर को ब्लर भी बना सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।